ममताज भुट्टो सिंध के जागीरदार करण से तालुक़ होजन के बावजूद भी वफाक की सियासत कदे जैसे जुल्फकार अली भुट्टे से जी कुछ थो अदालती कत्ल उन वक्त ममताज भुट्टे के कौमी तहरीक जो उन वक्त जो अगवान हुआ मोहतरम रसूल बख्श अली जो साईं जी एम सैद उन मैसेज उनके समझ में आयो तो मुल्क के अंदर इन मुल्क के कान 73 के आइन में कौमन के वह पाँ हक ना जिनते वो पा भर पेर से बीह सकन तो ममताज साहब जो सो बायदा कन्फेडरेशन जो प्लेटफॉर्म से इन मुल्क के बेन मुख्तलिफ़ पार्टी से गरजी कर कन्फेडरेशन वो प्रोग्राम दिनों उन प्रोग्राम का अगत जी समझा हुआ महसूस क्या हुआ वो सिंध लेवल से उन्होंने सिंध नेशनल फ्रंट जो बुनियाद विजी कौमी तहरीक में जो सो शामिल थियण की जो जदोजहद कई असा उन लिहाज से जो सो ममताज भुट्टे के उन किरदार के जो सो सारायूँ था तो हू जो सो आखिर में सिंध की कौमी तहरीक के वेझो थो सिंधी मानून के पांजे पेरन ते बिहारण ला उन वक्त जो कौमी तहरीक में हलंदड़ जो अगवान हुआ जो लीडर हुआ उनकी नक्शे कदम से हलण ला सभी के मैसेज दिनों असा उन ममताज साहब के अप्रिशिएट करूँ था तो सिंध के हक हासिल करण ला आखिर वक्त ताबित कदम रो जदोजहद कह रो।